Yes, class 9th. We have already read about our chapter number 1 of economics, which is the story of village Palampur. Today we will discuss the question answers of this chapter and you will do in your notebooks. So first question you will do it by yourself. All question you will do it by yourself, but we will start from question number 2. Modern farming method requires more input which are manufactured in industry. Do you agree? मॉडर्न फार्मिंग मेथड में नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है, क्या वो सब इंडस्ट्री में बनती हैं? आप इस बात से सहमत हैं? अगर आप इस बात से सहमत हैं, यस डू यू एग्री? यस इफ़ यू एग्री देन यू विल राइट पॉइंट्स अबाउट दिस. नेक्स्ट, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर? पालमपुर जैसे विलेज में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब आगे आगे स्प्रेड हो रही है. पहले कुछ ही घरों में थी, अब ज़्यादा घर में लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं. तो वो कैसे, जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा फैल रही है, सब लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो अवेलेबल हो रही है पालमपुर के किसानों पर, तो उनसे उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन इज़ इट इम्पॉसिबल टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन? इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशन? वाई, क्या खेती के लिए, इरीगेशन के लिए जो एरिया है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और क्यों बढ़ाया जाना चाहिए? फिफ्थ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग द 450 फैमिलीज ऑफ पालमपुर. पालमपुर में 450 जो फैमिलीज रहती है उनमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, इसके बारे में आप इसमें लिखेंगे. सिक्स, Why are the wages for farm laborers in Palampur less than the minimum wages? सरकार द्वारा जो wages decide किए गए हैं उनसे भी कम पालमपुर के किसानों को उतनी लेबर मिलती है, उनसे कम लेबर मिलती है, तो इसका क्या कारण है कि क्यों पालमपुर के किसानों को सरकार द्वारा जो decide किया गया minimum, जो सरकार द्वारा decide किए गए wages हैं उससे कम क्यों मिलते हैं पालमपुर के किसानों को? सेवन्थ क्वेश्चन, इन योर रीजन टॉक टू टू लेबरर्स. अपने एरिया में किसी भी दो मजदूरों से, या तो जो फार्मर किसी भी फार्म में काम करते हो या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, उनसे बातचीत कीजिए. क्या उन्हें उनके सही तरह से जितना वो चाहते हैं या जितनी सरकार द्वारा निर्धारित की गई वेजेस हैं, क्या उनको वो मिलते हैं, क्या उनको वो कैश में मिलते हैं, और क्या उनको डेली काम मिल जाता है या उन्हें किसी किसी दिन बिना काम किए भी रहना पड़ता है? क्या वो किसी डेप्थ में, डेप्थ मींस मतलब वो मींस उनकी इनकम जो है वो कम है और उनके जो डेली वेजेस का जो खर्चा है वो ज़्यादा है, तो क्या वो डेप्थ में है? नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड? यूज एग्जांपल टू एक्सप्लेन. अपने बुक से इस चैप्टर को आप इजीली पढ़ सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजीली पढ़ समझ सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर लैंड पे अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो तो हम कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं. इसके बारे में आपने पढ़ा भी है कि मल्टीपल फार्मिंग मेथड जो है वो कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, HYV सीड्स यूज़ कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन में, और हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, इससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डेली मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ ना कुछ आपके करंट अफेयर से रिलेटेड पूछूंगी, तो आज का मेरा करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला जो स्टेट है वो उड़ीसा है. ये आज करंट अफेयर में हमने पढ़ा, पर उसका CM कौन है ओडिशा का और गवर्नर कौन है, ये आप मुझे मैसेज में ज़रूर बताएंगे. हु इज़ द CM एंड गवर्नर ऑफ ओडिशा? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डिस्क्राइब द वर्क ऑफ ए फार्मर विद 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड. अगर किसी किसान पालमपुर में किसी किसान के पास अगर 1 हेक्टेयर की ज़मीन है तो वो किस तरह उस पर काम करता है, उसके बारे में आपको डिटेल देनी है. क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डू द मीडियम एंड लार्ज फार्मर ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स? जैसे मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, देर आर 3 टाइप ऑफ फार्मर. द फर्स्ट वन इज लार्ज फार्मर, दे आर हैविंग ह्यूज प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लैंड होता है इनके पास. सेकेंड है मीडियम, लेस प्रॉपर्टी. एंड द स्मॉल फार्मर्स, दे हैव लेस, वेरी लेस लैंड और नो लैंड. लैंडलेस पीपल भी हम इनके लिए यूज़ करेंगे. तो इनके जो फर्स्ट टू हैं वो और जो स्मॉल फार्मर, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे ये अपनी कैपिटल को ऑब्टेन करते हैं, कैपिटल मींस पैसे को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे इनका फार्मिंग प्रोसेस है, इसके बारे में आपको बताना है. ऑन व्हाट टर्म्स डिड सविता गेट ए लोन फ्रॉम तेजपाल सिंह? इसमें एक स्टोरी है तेजपाल सिंह और सविता की, आप उसको पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे.
कि सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से लोन मिला, और अगर वो तेजपाल सिंह से लोन ना लेती और बल्कि किसी बैंक से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेती तो उसकी ज़िंदगी, उसकी जो लाइफ कंडीशन है वो किस तरह से डिफरेंट होती आज जो उसकी कंडीशन है उससे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक टू सम ओल्ड रेजिडेंट, अपने आसपास के किसी पुराने जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं उनसे बात कीजिए और पता कीजिए कि क्या चेंजेस आए हैं इरिगेशन में और प्रोडक्शन मेथड में पिछले 30 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 13 क्वेश्चन है, व्हाट आर द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन योर रीजन, मेक ए शॉर्ट लिस्ट। आप लिस्ट बनाएंगे कि आपके घर के आसपास कौन कौन सी नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, वो ऐसी एक्टिविटी अगर आपके घर के आसपास कहीं है तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन बी स्टार्टेड इन विलेज। किसी गांव में नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप किए जा सकते हैं कि किसी गांव में नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ाया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। तो इन सब क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग अपनी नोटबुक में सोल्व करेंगे और मुझे इसके आंसर भेजेंगे। पर जो मैंने करंट अफेयर का जो क्वेश्चन पूछा है, आप YouTube पे जैसे ही इस वीडियो को देखेंगे उसी लिंक पर ही आप लोग कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। सबसे पहले आंसर बताने वाले को ज़रूर मेरी तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक यू।